वैसे तुमने बात बताकर मुझे तो खुशी कर दिया। बड़ा सा घर, गाड़ियां, पैसा, यही सब तो मेरी ख्वाहिश थी हमेशा। वैसे कुछ कुछ तुम्हारी वजह से है। मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ मानो, या ऐसे समझ लो कि अम्मी और नीनू बहुत एक्साइटेड हैं, शिद्दत से मुंतजर हैं आफरीन के जवाब की। आफरीन को तुम्हारे भाई अच्छे नहीं लगे। शुक्र है अल्लाह का तो मेरी शादी से पहले आ गई, वरना मैं बरसों पुरानी दोस्ती खत्म कर देती। मुझे पता था, तभी मैंने चाचू का वलीमा छोड़कर अम्मी के साथ आ गई हूँ। और यकीन करो, घर पे सिर्फ बैग रखा है और सीधा यहाँ चली आई। अभी तक मैंने नाश्ता भी नहीं किया। मैं करवा देती हूँ नाश्ता, बताओ क्या खाओगी? अंडा पराठा, दूध पत्ती चाय। ठीक। तुम बताओ, मैं लाहौर क्या गई 2 महीने के लिए, तुमने तो मेरे पीछे ससुराल ही ढूंढ लिया। अच्छा ये बताओ है कैसा? बस सही है। हाँ लेकिन उनका घर बहुत बड़ा है माशाल्लाह से, मुझे तो लगता है मेरे सारे ख्वाब पूरे हो गए। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी बेटा? बहुत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। खुश रहो, अल्लाह हमेशा तुम्हें ठीक रखे। आमीन। आज हमारी बेटी इस घर से रुखसत हो जाएगी, घर तो सूना हो जाएगा। जल्दी कर लो, लेट हो रहे हैं हम। महाजबीन और आफरीन हॉल में पहुंचने वाली होंगी बेटा। वैसे महाजबीन की बजाय आफरीन के साथ तुम्हें जाना चाहिए था। आप अम्मी, वो महाजबीन है तो सही आफरीन के पास, अगर मैं चली जाती उसके साथ तो घर के इंतजाम कौन देखता? नेहा अभी तक तुमसे नाराज है क्या? मान जाएगी, बहन की शादी है बेटा, दोस्ती को एक तरफ रख के बहन की खुशी को एंजॉय करो। आज जल्दी से आ जाओ, जल्दी से, लेट हो गए। आ जाओ। Thank you.
मुंह दिखाएगा तो आप कहिए। बहुत खूबसूरत है, हमारी अम्मी की पसंद है। इस घर के सारे फैसले वही करते हैं, आप भी उन्हीं की पसंद थी। आप जानती हैं उन्होंने आप ही को क्यों चुना मेरे लिए? उन्हें ऐसा लगता था जैसे नीनू ने इस घर को जोड़ रखा है, आप भी बिल्कुल वैसा ही करेंगी। नीनू मेरी छोटी बहन से बहुत मोहब्बत करते हैं, हम सबकी लाडली है मिशा, बहुत लाड से पाले हमने उसे। मैं इस दुनिया की तमाम तकलीफें बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन जब मैं उसकी आंख में आंसू देखता हूं तो ऐसा लगता है जैसे मेरा दम निकल जाएगा। ये बात मैंने बहुत अच्छी तरह से जानती है और मुझे उम्मीद है मेरी बहन का ख्याल आप मुझसे भी ज्यादा रखेंगे। आपके आने से पहले नीनू ने इस घर की जिम्मेदारियां बहुत अच्छी तरह से निभाई। मैं चाहता हूं कि नीनू के ऊपर जो बर्डन है इस घर का वो आप बांटें और शिकायत का कोई मौका ना दें। आप भी सोच रही होंगी इंसान तो बहुत ज्यादा लक्ष्य देता है भाई, जाओ चेंज कर लो। ये भारी ड्रेस, ये लाउड मेकअप, इन सब से मुझे बहुत घबराहट होती है। आज पूरा एक महीना हो गया तुम्हें मुझसे रूठे, मुझसे बात किए बगैर तो तुम चैन से नहीं रहते थे। मुझे देखते ही बेख्तियार तुम्हारे कदम मेरी तरफ उठ पड़ते थे। चलो देर हो गई है काफी, सब इंतजार कर रहे हैं। हाँ चलते हैं। अच्छा ये तो बताए मैं कैसी लग रही हूँ? ठीक लग रही हूँ। वो एक्चुअली मुझे ज्यादा लाउड मेकअप पसंद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। घूमती रहे मेरी बच्ची, मेरे पास बैठो। कैसी है?
भाई साहब इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी आखिर? अरे सफिया बहन, क्या तकल्लुफ, तकल्लुफात का तो आपने मौका ही नहीं दिया, लेकिन बहरहाल रस्म तो करनी थी ना। नहीं नहीं, अपनों में ऐसी बातें नहीं होती। यही बात तो मैं अभी इन्हें समझाती हूँ। और बेटा आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए, आप खैरियत से? हमेशा खुश रहो। देखो यहां तक लाना मेरा काम था, अब उसे मनाना तुम्हारी जिम्मेदारी। वो मुझसे बहुत नाराज है, वो नहीं मानेगा। तुम प्यार से मनाओगी ना तो पक्का मान जाएगा। और अगर उसने गुस्से से मुझे कमरे से निकाल दिया तो? अब इतना भी रूड नहीं है, कमरे से नहीं निकालता पक्का। अच्छा अगर तुम्हारा दिल नहीं मान रहा तो ये आइडिया कैंसिल करते हैं, तुम चलो मेरे साथ किचन में नीचे काम करवाओ। चलो जाना भी है तुम्हें, चल जा, बेस्ट ऑफ लक, अब जाओ भी। कब तक नाराज रहोगे? जहां प्यार होता है वहां नाराजगी तो नहीं होती ना? होती है, बिल्कुल होती है। जब मन टूटता है तो नाराज होना बनता है। मुझे लगता था कि मेरी मां शीशे की तरह साफ और शफाफ है, वो खरी और सच्ची है। तुम्हारी मानो अभी भी ऐसी है। मैं मानती हूं मुझसे गलती हुई थी, लेकिन उसके पीछे एक रीजन था। क्या तुम हमारे प्यार को और इस ताल्लुक को एक छोटी सी गलती की वजह से तोड़ दोगे? नहीं नहीं तोड़ सकता, मैं प्यार करना छोड़ सकता। अबरार, ये तरबियत की है मैंने तुम्हारी? इस लड़की के साथ अकेले कमरे में बगैर किसी रिश्ते के? अम्मी, मैं वो, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। इस घर की कुछ रवायात हैं, कुछ हुदूद हैं। मैं किसी भी शख्स को इन हुदूद को पार नहीं करने दूंगी इस घर में, चाहे वो तुम ही क्यों ना हो। कब से चल रहा है ये सब? यही सीक्रेट था जो इतने दिनों से छुपा रही थी। मुझे बात नहीं करनी। बात तो तुम्हें करनी पड़ेगी। आज ससुराल में मेरा पहला दिन है और तुम अपराध के काम से? स्टॉप इट। इसीलिए नहीं चाहती थी ना कि मेरी इस घर में शादी हो? इनकार की वजह मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। अक्सर जो बताया जाता है हकीकत कुछ और ही होती है। तुम्हें जो समझना है समझो, मैं तुम्हें वजाहत देना जरूरी नहीं समझती।
शाजिया जी, भैया मानो ने आने का क्यों शोर मचाया हुआ था? मुझे क्या मालूम, वहां सफिया बहन का मूड भी ऑफ था, अल्लाह जाने क्या हुआ है। जाके जरा पूछो उससे कि वहां हुआ क्या है। हेलो अबू, अबू ससुराल में मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही, और इस सब की वजह मानो है। इतनी शर्मिंदगी हो रही है मुझे, मैं कैसे फेस करूंगी सबको, आप खुद सोचे। भाई आखिर मानो ने किया क्या? अबू वो शर्म आ रही है आपको भी बताते, आपको पता है वो अबरार के कमरे में गई थी, मेरी सास ने देख लिया। मुझे खुल के सारी बात बताओ तुम। अच्छा ठीक है, तुम रोना बंद करो, मैं अभी देखता हूँ। क्या हुआ आप रिंकू? वजाहतें तो तुम्हें अब देनी ही पड़ेंगी। मेरी खुशियां बर्बाद करने चली थी ना तुम, अब देखती हूं तुम कैसे खुश रह पाओगी। तुम्हारी दोस्ती नेहा के बजाय अबरार से थी, हाँ या ना? जी जी जी। अब कब से बेवकूफ बना रही हूं हम सबको, कितने शर्म की बात है। ऐसी बात नहीं है अबू, ऐसी बात नहीं है तो अपराध के पास पहना क्या कर रही थी तुम? अबू हम सिर्फ बात कर रहे थे। हम बात कर रहे थे, क्या कर रहे हैं आप? जवान बेटी पर हाथ, जवान बेटी जब बाप की इज्जत मिट्टी में मिला दे तो बाप मर जाते हैं। अबू मेरी बात, बहन का ससुराल था, इतना तो सोचना चाहिए था तुम्हें। तुम्हें आजादी इसलिए दी थी कि माँ बाप की तरबियत को भला दो। अबू आप मेरी बात क्यों सुने? कुछ नहीं सुनना है मुझे, तुमने जो किया है उससे मेरा एतबार उठ गया है तुमसे। अबू अबू मेरी बात सुनिए, अम्मी अम्मी प्लीज मेरी बात सुनिए, ऐसे कुछ नहीं है, प्लीज मेरी बात सुनिए अम्मी। लेके गई थी, उस बेचारी की कोई गलती नहीं। उसको बेचारी मत कहो, बहुत तेज तर्रार लड़की है वो, बहुत मासूम है वो। मासूम होती तो बहन से हसद ना करती, झूठ ना बोलती, और अबरार के कमरे में इस तरह से बगैर किसी रिश्ते के ना जाती। वालामी वो तो मैंने इसरार करके उसे भेजा था वहाँ। बस अब इस बहस को यहीं ख़त्म करते हैं, उस लड़की के बारे में कोई बात मैं और नहीं सुनना चाहती, बस। अच्छा ठीक है वालामी, गुस्सा नहीं कर। बड़ी मुश्किल से खुद में हिम्मत कर पाई हूँ आपका सामना करने की। महानूर ने मुझे आप सबके सामने बहुत शर्मिंदा कर दिया। क्या सोचती होंगी आप कि मेरी माँ ने कैसी तरबियत की हमारी? अरे नहीं बेटा, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। तुम्हें यह शाजिया को इस सिलसिले में बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। माना कि तुम दोनों बहनें हो, लेकिन तुम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तुम बहुत सादतमंद बच्ची हो बेटा, तुमने हमारी पसंद अपने माँ बाप की मर्जी के आगे सर झुका दिया। तुम मेरे बेटे की खुशी हो मेरी जान, तुम्हें इस तरह से किसी और की गलती पर शर्मिंदा होने या सर झुकाने की कोई जरूरत नहीं। मैं जिस इज्जत और मान से तुमको ब्याह के लाई हूँ उसमें कभी कोई कमी नहीं आएगी। अच्छा जाओ अब थोड़ी देर आराम कर लो, थोड़ी देर बाद तुम्हें पालो जाना है ना मलिमे की तैयारी में। जी
मोहब्बत की ताजियत करने आई हो तो सुन लो, जनाजा नहीं निकला है मेरी मोहब्बत का, मेरे दिल में उसका प्यार अभी भी जिंदा है और उसे पाने का जुनून शायद कभी खत्म ना हो। ये हुई ना बात, इसे ईमान से अगर तुम हारे हुए मजनू की तरह साउंड करते ना तो मैं तुम्हें सुना देती, पर खैर अच्छा हुआ तुमने हिम्मत नहीं हारी। क्या खाक अच्छा है यार, अम्मी का रिएक्शन देखा था तुमने, वो तो फुल विलन बनने के मूड में लग रही है मेरी लव स्टोरी का दी एंड करने के लिए। यहाँ मेरी जान पर बनी हुई है और तुम हंस रही हो। अरे तो किसने कहा परेशानी में मुंह बना के बैठने से या उसे सर पे सवार करने से परेशानी खत्म हो जाती है। समझ नहीं आ रहा है नीनू, कैसे मनाऊंगा अम्मी को। भाई देखो, जब तक खाला अम्मी गुस्से में है ना, उन्हें कुछ भी समझाना बहुत मुश्किल है। अब उनका गुस्सा उतरना और उनके फैसले को बदलना नामुमकिन सा लग रहा है इस बार। कोई बात नहीं, मुश्किल है नामुमकिन नहीं है। और देखो, कोई तुम्हारा साथ दे ना दे, नीनू तुम्हारे साथ है। कैसा? ये हुई ना बात, चलो आइसक्रीम खिलाओ। क्या मेरा मूड ऐसा हो रहा है तुम्हें आइसक्रीम खानी है? अच्छा चलो खिलाता हूँ। मानो वलीमे में क्यों नहीं आई तुम? अब्बू ने मना किया था। तो मानो फोन क्यों नहीं उठा रही थी? बस ऐसे। अच्छा चलो आओ, उसे बात कर लिया तुमसे। चलो ना। किस्मत की धनी हूं मैं, अब्बू के मुंह से यही अल्फाज सुनते हुए बड़ी हुई हूं मैं। अब तो मुझे भी यकीन हो चला था कि अब्बू जो भी कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, लेकिन कल सिर्फ उनका मान नहीं टूटा, मेरा किस्मत पर से यकीन भी चकनाचूर हो गया। अब्बू के प्यार की इतनी आदी हो गई हूं कि मुझसे अब उनकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं हो रही। कल नाराज है तो क्या हुआ, मान जाए और सब ठीक हो जाएगा मां। और एक बार अम्मी का गुस्सा ठंडा हो फिर उन्हें मनाने में टाइम नहीं लगेगा, और जिस दिन वो मान गई उसके अगले दिन मैं आऊंगा तुम्हारे घर, और इस बार निकाह से कम में बात नहीं होगी। मानो तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही बनोगी। कहाँ रह गई थी तुम? अम्मी वो मैं आ गई। तुम इसे कह दो अब ये यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी, कल शाम में तैयार रहे, मैंने आसिफ और उसकी फैमिली वालों को घर बुलाया। मतलब मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, तुम मेरा भरोसा पहले ही तोड़ चुकी हो, अब सिर्फ ये देखना है कि बाप की बात का भरम रखती हो या उसे भी तोड़ देती हो तुम। अब्बू अब्बू मेरी बात सुने, अम्मी प्लीज प्लीज अब्बू को समझाए ना, वो ऐसे कैसे कर सकते हैं, मैं इस तरह किसी से शादी नहीं कर सकती, प्लीज आप उन्हें कहें एक दफा मेरी खुशियों के बारे में सोचें, मैं आप लोगों से कभी कुछ नहीं मांगूंगी, अब्बू से ना हमसे प्लीज। बस कर दो,
कुछ कहने सुनने के काबिल तुमने छोड़ा है मुझे? किस मुंह से तुम्हारे बाप से बात करूं मैं? अम्मी प्लीज मुझ पे रहम कर, मैं इस तरह किसी से शादी नहीं कर सकती, प्लीज अम्मी। कितनी बेशर्म बेहया हो गई हो तुम, माँ की आंखों में आंखें डाल के अपनी शादी की बात कर रही हो, शर्म नहीं आती? तुम्हारा बाप इस वक्त यहाँ होता ना, मुंह तोड़ देता तुम्हारा। अम्मी आप तो मेरी अम्मी है ना, आप तो मुझसे बहुत प्यार करती हैं, आप अब्बू को समझाएं ना, प्लीज अम्मी मेरे लिए समझाएं, मैं ये नहीं कर सकती, प्लीज समझाएं, प्लीज आप अब्बू को समझाएं ना, अम्मी मैं मर जाऊंगी, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती, आप प्लीज अब्बू को समझाएं, मैं ही बात हूँ अम्मी, दोनों बनकर शाबाश। नसरीन आई बाजी, ये फ्रिज में रख दो प्लीज, ये खराब हो जाएंगे यहाँ पर। सारे घर को मुट्ठी में ले रखा है इसने, मेरे कान पक गए पूरा दिन बस नीनो का नाम सुनते सुनते। अरे नहीं नहीं, मेरी दुल्हन किचन में क्या कर रही है? मैं तुम्हारे कमरे में गई थी, वहां तो तुम थी नहीं, इसलिए सोचा यहाँ देख लूं। वैसे दिन के 24 घंटों में से 8 से 10 घंटे तुम किचन में गुजारती होगी। अच्छा लाओ ये मुझे दो। नहीं नहीं, आप ना नई दुल्हन वाला प्रोटोकॉल एंजॉय कीजिए, ये मुझे करना है। मैं तो कर रही हूँ एंजॉय। वैसे एक बात बताओ, जब तुम्हारी शादी हुई थी तो तुमने कितना प्रोटोकॉल एंजॉय किया था? ज़रा भी नहीं। और वैसे भी ये प्रोटोकॉल ना बहुओं के लिए होते हैं, खाला अम्मी ने कभी बेटी से कम मुझे समझा ही नहीं। आपको एक बात बताऊँ, जब मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई तो मैं बहुत छोटी थी, खाला अम्मी की उंगली पकड़ के इस घर में आई, तब से आज तक उन्होंने मुझे कोई कमी महसूस ही नहीं होने दी, इतना प्यार किया, और देखें वक्त कैसे गुजर जाता है पता भी नहीं चलता। तुम बहुत अच्छी हो। जानती हूँ मैं। हाँ लेकिन ये नहीं जानती कि अगर शोहर को बीवी तैयार मिले तो वो कितना खुश हो जाता है। चलो जल्दी से जाओ, तैयार हो जाओ, इकरार घर आता ही होगा। ये ना शादी की शुरू शुरू की बात होती। मैडम शादी को हमेशा शुरू वाले दिनों की तरह ही इंजॉय करना चाहिए। चलो तुम उठो जाओ, जल्दी से तैयार हो, ये मैं देख लूँगी, जाओ चलो ना जल्दी जाओ। अच्छा बस ये बेक होगा। ओके मैं कर देती हूँ। बहुत आगे पीछे फिरते हैं ना सब घर वाले तुम्हारे। कुछ ही दिन की बात है, सबकी जबान पे सिर्फ मेरा नाम होगा। नसरीन आज मीठे में क्या बन रहा है? बाजी केक बन रहा है। तुम एक काम करो, पुडिंग बना दो। बाजी केक बन तो रहा है। जो कह रही हूँ वो करो, बहस मत किया करो। चलो केक भी खा लेंगे। अभी उनको भी संभालना पड़ेगा। शाजिया एक बात अच्छी तरह समझ लो, अगर महनूर की हिमायत में कुछ कहने का इरादा है तो फजूल है। मैं फैसला कर चुका हूं। सलीम साहब फैसला बदला भी तो जा सकता है। तुम क्या चाहती हो? अपनी बेटी की खुशी चाहती हूं। मैं मानती हूं उसने गलत किया, लेकिन इस गलती के बदले उसे एक अनचाहे मर्द के साथ पूरी जिंदगी गुजारने की सजा देना, ये भी तो नाइंसाफी है। मैं तो फिर भी उसे डांट देती हूँ, लेकिन आपकी तो लाडली बेटी है।
लाडले होने का यह मतलब नहीं है कि उसकी गलत बातों को भी बर्दाश्त किया जाए। सिर्फ एक बार ठंडे दिलो दिमाग से सोच ले। मुझे कुछ नहीं सुनना है, समझ लो इस बात को अच्छी तरह से तुम। सलीम साहब, बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती है और रहमत की ना कदरी मेरे खुदा को भी पसंद नहीं। जहां तक बात पसंद ना पसंद की है, तो इस्लाम में भी लड़की की पसंद को अहमियत देने का हुक्म है। एक बार अपनी आंखों से जिप की पट्टी उतार कर तो देखें, आपको सब नजर आ जाएगा। आपकी मेरी बेटी की खुशियों का सवाल है, क्यों नहीं समझ रहे आप? अरे तुम तो नहीं दुल्हन हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो बेटा? नीनू कहाँ है? मैंने उसे तैयार होने भेजा। पहले तो वो अकेली घर के कामों में लगी रहती थी, खुद पर ध्यान देने का मौका ही नहीं मिलता था उसे। लेकिन अब मैं आ गई हूँ, अब हम मिल बांट कर सारा काम कर लेंगे। शायद वकार आ गया, मैं देखूं। तो कैसी लग रही है आपको आपकी दुल्हन? अच्छी तो ये हमेशा ही लगती है, लेकिन लगता है तैयार आज आपके कहने पे हुई है, क्योंकि मेरे लिए तैयार हुए तो इसको एक जमाना हो गया। ओहो, यहाँ तो बड़ी तैयारी शैयारी चल रही है। नीनो तो लग रही है जैसे कोई नई नवेली दुल्हन हो भाई। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, और वैसे भी मेरे पास टाइम होता है तैयार होने का। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, तुम मेरा भरोसा पहले ही तोड़ चुकी हो। अब सिर्फ यह देखना है कि बाप की बात का भरम रखती हो या उसे भी तोड़ देती हो तुम। नहीं उठा रही है मानो मेरा, ना मैसेज का जवाब दे रही है। हो सकता है घर के कामों में बिजी हो। नहीं, मानो मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे सामने कभी भी कोई मसरूफियत उसके लिए अहम हो। तो फिर मैं ऐसा करती हूँ, आखिर भाभी से पूछ के देखती। नहीं, इस वक्त भाभी से कोई बात मत करना। तुम कब से तुम्हें फोन कर रहा था? तुम रो रही हो? मानो प्लीज रोना बंद करो और मुझे बताओ हुआ क्या है। गॉड सेक, मानो तुम इस तरह रोगी तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा, मैं अभी बता रहा हूं। नहीं, तुम मत आना। बेटियों पर माँ बाप की इज्जत और उनका मान रखने की जिम्मेदारी होती है, और ये जिम्मेदारी हर लड़की को निभानी पड़ती है।
ये तुम क्या बोले जा रही हो मानो? और मैं इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती। मैं नहीं चाहती कि मेरे बाप का मान टूटे, फिर भले मैं ही क्यों ना टूट जाऊं। अबरार मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से मेरे बाप का सर शर्म से झुक जाए। कहना क्या चाहती हो मानो, खुल कर कहो, जो बताओ क्या बात है। अबरार, अबू ने मेरी बात तय कर दी है।